हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल वाला बटन दबाइए और साथ में बेल के आइकन को इनेबल कर दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सचिन आरू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 7 जनवरी 2019 है और दिन है सोमवार। आज की कुछ खास और अहम खबरें जो सऊदी अरब की हैं वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। सऊदी वजारत मेहनत व सामाजिक बहबूद ने बताया है कि 12 सूबों में सऊदी एशन का आखिरी मरहला आज 7 जनवरी 2019 से शुरू होगा। आखिरी मरहला 5 सूबों में सऊदी एशन किया जाएगा। बिल्डिंग मटेरियल, कार रिपेयर पार्ट्स, मेडिकल स्टोर, कारपेट शॉप, केक और पेस्ट्री की दुकान, इन सूबों में अब अजनबी लोग काम नहीं कर सकेंगे। इन सूबों में अब सऊदी शहरी काम करेंगे। महकमे सेहत ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि नियमों की खिलाफ वर्जी करने वाले होटलों और फर्निश्ड अपार्टमेंट की रिपोर्ट दी जाए। नियमों के मुताबिक होटलों और फर्निश्ड अपार्टमेंट को ये हक नहीं कि शहरियों और मुकीम गैर मुल्की की पहचान दस्तावेज की फोटोकॉपी हासिल करें। किराए की वसूली के लिए सरकारी दस्तावेज हासिल करना भी खिलाफ वर्जी है। ये और इस तरह की तमाम खिलाफ वर्जियों की जानकारी देने के लिए महकमे सेहत ने टोल फ्री नंबर 19988 जारी किया है। जिजान में मुकीम 13 फिलिपिनी तारकिन ने इस्लाम कबूल कर लिया। जिजान के दाऊती कैंप में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में ना मुस्लिम फिलिपिनी कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। दाऊती कैंप के जिम्मेदार ने फिलिपिनी ना मुस्लिमों को खुशामदीद कहा। पिछले हफ्ते से जारी दाऊती कैंप में 850 से ज़्यादा तारकिन ने शिरकत की। इसमें गैर मुस्लिमों की तादाद भी अच्छी खासी है। यहाँ गैर मुस्लिमों को उनकी ज़ुबान में इस्लामी तालीमात से आगाह किया जाता है। माशाल्लाह। तामीराती सामान बेचने वाली दुकानों में ज़बरदस्त मंदी छाई हुई है। माहिरों का कहना है कि कारोबार में 30% तक कमी वाकई हो चुकी है। माहिरों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन के शोबों में मंदी की वजह से तामीराती सामान बेचने वाली दुकानें इंतहाई मुतासिर हैं। दुकानदारों का कहना है कि ईंट की बिक्री में 10% कमी वाकई हुई है, जबकि सीमेंट की बिक्री में 15%, जबकि नॉर्मल कारोबार में 30% की कमी वाकई हो चुकी है। कारखानदारों ने पैदावार में कमी कर दी है। रियाद महकमे ट्रैफिक ने रियाद के इलाके में टायर स्क्रैचिंग करने वाले एक मुकामी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। मुकामी शहरी एक राहगीर के मौत का वजह बन गया था। महकमे ट्रैफिक का कहना है कि वारदात करने वाले ने गाड़ी छुपाने की कोशिश की, नाकाम बना दी गई। वो इलाके के एक कमिश्नरी में छुप गया था। पूछताछ के बाद उसे पब्लिक प्रिकॉशन के हवाले कर दिया जाएगा। सऊदी बर्री कानून तिजारत ने सऊदी जहाज़ों पर कौमी परचम लगाने का पाबंद बना दिया। किसी भी सऊदी जहाज को इस बात की इजाज़त नहीं कि मुमलकत के किसी भी इलाके से कौमी परचम लगाए बिना सफ़र करें। मक्का मुकरमा डेवलपमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान ने बताया है कि 12 मरहलों में अलकसा मोहल्ले की 120 इमारतों को गिरा दिया जाएगा। मंसूबे का मकसद अलकसा में तफरी, तजारती, रिहायशी स्कीमों को नाफिस करना है। इसके तहत अलकसा मोहल्ले में पार्क भी बनाए जाएंगे। अलकसा मोहल्ले में इतवार से इमारतों को गिराना शुरू कर दिया जाएगा और तमाम इमारतों से बिजली कनेक्शन काट दिया गया। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के गवर्नर ने बताया है कि हवाई, मशरकी वस्ती और शुमाली अफ्रीका का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर सऊदी अरब में कायम करेगा। गवर्नर ने अपने ट्विटर के अकाउंट पर जानकारी देते हुए बताया है कि शॉपिंग सेंटर की टीमों में सऊदी नौजवान शामिल होंगे। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाज़ों के आने जाने के वक्त की पाबंदी करने वाले हवाई अड्डों की लिस्ट में एक नंबर हासिल करने में कामयाब हो गया। वाजह रहे कि 2018 के दौरान ऑफिशियल एयर गाइडलाइन की तरफ से दुनिया की बेहतरीन एयरपोर्ट्स में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 11 बेहतरीन हवाई अड्डों में शामिल है। सरबरा आला इस्लामी बोर्ड और सलाहकार शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुतलिक ने बताया है कि तलाक का फैसला बड़ा मुश्किल, बड़ा टेढ़ा और बेहद बड़ा है। इस्लाम ने तलाक को
بدترین حلال قرار دیا ہے۔ انتہائی مجبوری کے عالم میں ہی طلاق کے فیصلے کی اجازت دی گئی ہے۔ المطلق نے کہا کہ اگر مسئلے کا حل طلاق کے سوا کوئی نہ ہو تو ایسی صورت میں طلاق نعمت بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے کہ اگر میاں بیوی ناگزیر حالت میں طلاق پر مجبور ہوں اور دونوں ایک دوسرے کی خوشی سے دور ہو جائیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ دونوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی سعودی عرب کی کچھ خاص خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا، میرے چینل پہ نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور انیبل کر دینا، جس سے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے گا۔ چلے دوستوں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، جب تک رکھیں اپنا خیال، اوکے خدا حافظ۔